हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। दोस्तों, एसीपी ट्रेनिंग का पार्ट 4 बहुत ही कमाल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। बहुत ही कमाल की नॉलेज इस ट्रेनिंग में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में हम सभी लोग जानने वाले हैं कि आपके जीवन में जब भी कोई घटना घटित होती है, उस घटना से क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, यानी जब कोई घटना होगी उस घटना से क्या आप रिएक्शन देंगे और उस रिएक्शन का परिणाम क्या हो सकता है। पूरा वीडियो बने रहिए, बहुत ही कमाल की जानकारी आज की आपके बीच में शेयर होने वाली है। दोस्तों, सेल्फ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग का ही यह हिस्सा है जो अलग अलग पार्ट में आपको बताया जा रहा है। अभी तक 3 पार्ट बीत चुके हैं, बहुत सारी जानकारियां आपको पिछले 3 पार्ट में मैंने दे चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस ट्रेनिंग को जाकर के, तीनों पार्ट को जाकर के देखिए, बहुत ही कमाल की जानकारी है। स्टेप बाय स्टेप हम कहते हैं, तीनों पार्ट को एक ही दिन में मत देख लीजिए। एक पार्ट एक दिन में, एक पार्ट दूसरे दिन, एक पार्ट तीसरे दिन, या फिर एक पार्ट सुबह, एक पार्ट दोपहर, एक पार्ट शाम, ऐसे करके देख लीजिए। बोरिंग नहीं महसूस होगा, जानकारी भी मिल जाएगी। आप जब शुरू से लेकर फर्स्ट से लेकर के आप जब थर्ड पार्ट तक देखेंगे तो आपको मजा आएगा ये चौथी पार्ट के बारे में जानकारी लेने में और समझ में भी आएगा। नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोशन साक्षात्कार ज्ञान में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इनसे मेरा मनोबल तो बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। और आपके लिए इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही काम की वीडियो जो आपके जीवन में बेहतर से बेहतर बदलाव ला सकता है, इसी वीडियो में लाता रहूंगा। और खासकर इस ट्रेनिंग का तो उद्देश्य ही है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, मनी सब दृष्टिकोण से विकास करना इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है। जब पूरी ट्रेनिंग को आप अटेंड करेंगे ना, आप समझ लीजिए कि एकदम पावरफुल मैन बन जाएंगे। चाहते हैं बनना, ट्रेनिंग को पूरा अटेंड कीजिए और हर पार्ट को देखिए और साथ साथ इस पार्ट को भी देखिए। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई भी घटना होती है, उसके दो प्रतिक्रिया होती है, या तो आप उस घटना से लड़ेंगे या फिर भागेंगे। मेरा इशारा है कुदरत के साथ या कुदरत के तरफ से जब कोई भी घटना आपके साथ घटित होती है तो उसमें आप दो प्रतिक्रिया देते हैं, या तो आप लड़ते हैं फाइट, या तो आप भागते हैं फ्लाइट, या तो आप लड़ेंगे या भागेंगे। जैसे कि मैं रास्ते से जा रहा हूं, अचानक दो कुत्ते आ गए और एकदम भौंकने लगे, क्या करेंगे आप? या तो भागेंगे या तो लड़ेंगे। संभावनाएं ज्यादा बनता है कि आप लड़े, ज्यादा संभावना, ज्यादा लोग लड़ लेंगे, लाठी लेंगे, चप्पल ही उठाएंगे नीचे से, बस उसको मारना शुरू कर देंगे, भगाना शुरू कर देंगे, यानी उससे आप लड़ रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन, भाग जाओ। तो कुदरत के तरफ से जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित होता है, या कुदरत के तरफ से जो भी घटनाएं होती है, उससे आप क्या करते हैं? लड़ते हैं और भागते हैं। अब शेर आ गया, ऑप्शन लड़ने वाला तो यहां है नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, या भागने वाला भी ऑप्शन है या नहीं? तो आप यहां पे क्या करेंगे? भागेंगे। बोलेंगे क्या ये सब जानकारी जो आप दे रहे हैं क्या हमारे जीवन में काम आएगा? बहुत ज्यादा काम आएगा, समझिए तो सही। जब आप किसी काम को शुरुआत करते हैं, जब आपके पास समस्याएं आती हैं आपके काम से रिलेटेड, आप चलिए क्या आपके लिए जरूरी है कि नहीं, जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं और जब उस काम को स्टार्ट करते हैं, उस काम को करने में जब समस्या आने लगती है, आप क्या करते हैं? या तो समस्या से लड़ेंगे या तो भागेंगे। इसी को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट की प्रतिक्रिया। जो इंसान लड़ेगा वो सफल होगा, जो भागेगा वो सफल नहीं है, समस्या को टाल दिया लेकिन वो सफल नहीं है। फाइट एंड फ्लाइट को समझने की कोशिश कीजिएगा। शेर आया, भागेंगे। कुत्ता आया, लड़ेंगे। सांप आया, पहले तो भागेंगे, थोड़ा सा पीछे लेंगे, फिर उससे लड़ेंगे, मारने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। तो कुदरत की तरफ से जो भी घटनाएं घटित होती है उसमें दो प्रतिक्रिया होती है। जो कुदरत की तरफ से होता है तो कुदरत की हमारे अंदर है वो चीजें, लड़ना और भागना। लेकिन एक प्रतिक्रिया ऐसा है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक प्रतिक्रिया ऐसा है जो प्रतिक्रिया इंसान ने खुद बनाया है, खुद बनाया है, वो प्रतिक्रिया खुद बना लिया इंसान, जिसे हम प्ले डेड कहते हैं। प्लेटेड क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया ही ना देना, न्यूट्रल। अब कोई दो इंसान लड़ रहा, एक इंसान उसको छुड़ाएगा, एक इंसान हो सकता है उसके साथ लड़ेगा, और एक इंसान है खड़ा होके उसे देखेगा। प्लेटेड, कोई प्रतिक्रिया ही ना देना, मर रहा है मरने दो, जी रहा जीने दो। नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आ गया होगा। अब इसको और थोड़ा अच्छा समझते हैं कि ये प्रतिक्रिया का असर क्या होता है हमारे जीवन में। आपके पिताजी किसी बात पर आप पर गुस्सा है,
वो आपको गाली दे रहे हैं, वो आपको मार रहे हैं, और आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है। अब पिताजी को कोई तो मार नहीं सकता, वो क्या कर रहा है, खड़ा है, अंदर गुस्सा है। अब वो प्ले डेड, यानी जितना भी गुस्सा है वो गुस्सा को अपने अंदर दबा लिया कुछ अपना, क्योंकि पिताजी समझ नहीं पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी गलती नहीं थी, आप समझा नहीं पाए। आप प्ले डेड की स्थिति में वहां पे होते हैं, क्योंकि पिताजी को कोई मार सकता नहीं है। हाँ, ये कलयुग है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, जो करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है जीवन में, कभी उन्होंने कोई ज्ञान हासिल किया ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है माता पिता का क्या महत्व है आपके जीवन में, माता पिता क्या होते हैं, तो उन लोगों की बात नहीं करूँ। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, पिताजी के सामने न्यूट्रल होते हैं, होते हैं कि नहीं होते। अब कोई 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 पावरफुल व्यक्ति, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, बहुत बड़ा नेता है, और आप उसके सामने समझिए तिनका है, और आपको वो अपने यहां बुलाता है, या फिर कहीं पे वो मिलता है, और अंधाधुन आपको गाली देने लगता है, दो चार लठ भी बजा देता है नेताजी। आप उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा इंसान है, ना उसे लड़ सकते हैं, ना भाग सकते, भाग भी नहीं सकते, क्योंकि पकड़ के मारेगा, फिर वो भागेंगे फिर पकड़ के मारेगा, लड़ेंगे तो समझ लीजिए और ज्यादा आपके लिए समस्या है। तो ना तो आप लड़ेंगे ना भागेंगे, लेकिन वो आप पर जाती कर रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है आपके साथ, मतलब समझिए कि समस्या पैदा कर रहा है। तो आप वहां पे प्ले डेड होते हैं, प्ले डेड होते हैं कि आपके अंदर का जो गुस्सा है उसको दबा लेते हैं, दबा लेते होता है। तो बोलेंगे इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन में जो नुकसान होगा दोस्तों, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब भी कोई इंसान गुस्सा होता है तो क्या होता है, जब भी इंसान कोई गुस्सा होता है, समझ लो आंख लाल होती है, गुस्सा से दमक खींचता रहता है, चेहरे लाल हो जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, समझ लीजिए कि समझ ये बहुत ही भारी ऊर्जा है जो आपके शरीर में दबाव बना रहा है, और उसको आप क्या कर रहे हैं, दबा रहे, दबा रहे। ये गुस्सा कहीं ना कहीं तो जाके निकलेगा, कहीं ना कहीं तो जाके निकलेगा। अब उन्हें गुस्सा निकलता कहां है, अब कहीं से कुछ हुआ, अब नेताजी ने आपको मारा, नेताजी ने आपके साथ गाली गलौज किया, पिताजी ने आपको मारा, अब आप घर पे गए, अब आपके बच्चे ने क्या किया, आपका डायरी उठा लिया, आपका कलम उठा लिया, या फिर आपका मोबाइल उठा लिया कहीं पे रखा हुआ था, आप आया धड़ाम से दो चमाटा लगा दिया। हालांकि इतनी बड़ी गलती नहीं थी, वो बच्चे का डायरी उठाना, कलम उठाना या फिर मोबाइल उठाना, लेकिन आप दो चमाटा वहां पे लगा दिया उसको, आप अपने अंदर की ऊर्जा को निकाल दिए, निकाल दिए तो बहुत अच्छा किया, आपके अंदर से समझ लीजिए रिलैक्स हो गया। अब घर पत्नी बीच में बोली, बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो अब उसको भी पीट दिए, खूब पीट दिए, खूब पीट दिए, खूब मतलब समझ लीजिए इतना गुस्सा वहां पे निकालना था ना, वो गुस्सा वहां ने निकाल कर यहां निकाल दिए। ये ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन व्यक्ति का तो कोई कसूर था नहीं जिसको आपने मारा, वो भी आपसे छोटा है, आपका बच्चा, आपकी पत्नी क्या करेगी, आपसे तो लड़ेगी नहीं, आपको भी तो नहीं मारेगी, वो प्ले डेड हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी, उसके अंदर भी बहुत सारे गुस्से होंगे जो अपने अंदर दबा के रख लेगी, अब उसको नुकसान करेगा वो चीजें, आपके बच्चे को नुकसान करेगा वो चीजें, वो भी आपको कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो प्ले डेड। आप हो गए फ्री, आपके अंदर गुस्सा कुछ कम हो गया, आपके अंदर की एनर्जी बाहर हो गई जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे नुकसान पहुंचाती है, वही भारी ऊर्जा दोस्तों, वही नेगेटिव ऊर्जा जिसको आप दबा के रखते हैं ना, वही नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में विभिन्न विभिन्न तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। बोलेंगे वाह ये क्या कंसेप्ट है, बिल्कुल, आपका सर दर्द करता है, कल कोई घटना घटित होती है और बहुत ज्यादा ये होता है तो आपका सर दर्द करने लगता है, कहां से, समझ में आया, कहां से होता है सर दर्द, कहां से हुआ, कोई भारी ऊर्जा आप दबा के रखे हैं, सर दर्द करने लगा, शोर सलावा है, कोई मर गया, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, रोते रोते बेहाल है, आप भी गए, आप भी रोने लगे, आपको दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, रोना धोना ये सब देख करके आपका सर दर्द करने लगा, हॉस्पिटल गए, उधर टांग कटा, उसका हाथ कटा हुआ, उसका डिलीवरी हो रहा है, वो चिल्ला रहा है, कोई इंसान मरा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत देर वहां पे रहते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, आपका सर दर्द करने लगा, क्योंकि वहां पे नेगेटिव ऊर्जा क्या है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर जाएगी वो आपके शरीर में विभिन्न विभिन्न तरह की बीमारियां उत्पन्न करके लेके आएगी, गैस का प्रॉब्लम, सर का दर्द, पेट का दर्द, बहुत तरह की शरीर में बीमारियां, बहुत तरह की बीमारी, कुछ भी मतलब एनीवे कुछ भी, बहुत तरह की समस्याएं आपके शरीर में उत्पन्न होगी उस नेगेटिव ऊर्जा को दबाने से, यह प्ले डेड होने से होता है। समझ में आ गया, फाइट एंड फ्लाइट और प्ले डेड का सिस्टम क्यों जानना जरूरी था, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं प्ले डेड होने की वजह से भी है, और आपके शरीर में भी बहुत सारी समस्याएं आज जो है वो प्ले डेड होने की वजह से ही है, और उस नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज करना, मुक्त करना, हटाना बहुत जरूरी है जिसको आपने दबा के रखा हुआ है। क्लियर है, ये है दोस्तों प्ले डेड। क्या इस ऊर्जा को रिलीज किया जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है, जिससे कि हम कुछ बेहतर कर सके या फिर अपने आप को स्वस्थ कर सके? जी हां दोस्तों, इसको रिलीज किया जा सकता है। अब इसकी जानकारी मिलेगी आपको मैक्स पार्ट में, और बिल्कुल रिलीज किया जा सकता है, और ऐसा कमाल का जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, मजा आने वाला है आपको, बहुत यूनिक, बहुत ही कमाल की नॉलेज
जो पांचवा पार्ट चलेगा बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल का। तो अगले पार्ट में हम सभी लोग जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जाने या अनजाने, जानबूझकर या अनजान में जो नेगेटिव भारी ऊर्जाएं जो हमने दबा के रखा है उसको कैसे रिलीज किया जा सकता है, अपने आप को कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। मैंने बताया ना, हर दृष्टिकोण से अपने जीवन में आप बेहतर कर सकते हैं, चाहे शारीरिक दृष्टिकोण से, तो समझिए शारीरिक दृष्टिकोण से स्वस्थ अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ बनाना है। तो आपको अब जानकारी मिलने वाली है नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर दोस्तों? अभी तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।